डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग तो पहला टॉपिक है डिज़ाइन फीचर जब भी बात करते हैं डिज़ाइन की सी एन सी मशीन टूल तो वो डिफरेंट होती है कन्वेंशनल मशीन टूल से कंपेयर किया जाए तो अलग अलग रेस्पेक्ट में डिफरेंट होती है तो जो बेसिक डिज़ाइन होता है कन्वेंशनल मशीन टूल का वो सूटेबल नहीं होता है सी मशीन के लिए जब सी मशीन का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें कन्वेंशनल मशीनों के कंपैरिजन में एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है सीएनसी में एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि ऑटोमेटिक ड्राइव सिस्टम हाई रिजिडिटी फीड ड्राइव्स बाल स्क्रू एटीसी, चिप कन्वेयर्स टूल मैगजीन तो ये सब एडिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं सीएनसी मशीन के टूल की अगर बात करें डिज़ाइन करने की बात करें एस कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीन तो सीएनसी जो मशीन टूल है वो क्या करता है कि जब भी प्रोग्राम दिया जाता है ऑपरेशन का तो डायरेक्टली रेस्पोंड करता है तो हाई एक्यूरेसी चाहिए सीएनसी मशीन में तो अलग अलग एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब एक्यूरेट चाहिए फास्ट चाहिए तो एलिमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है सी एन सी केस में तो सी एन सी मशीन हमें पता है कि हाईली एक्यूरेसी देती है एक्यूरेट होती है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देती है और चौबीसों घंटे काम करती रहती है तो इस तरीके से स्पेशल डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है सी एन सी एलिमेंट के लिए सी एन सी जो मशीन एलिमेंट्स हैं टूल के तो उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ स्पेशल कंसिड्रेशन देखना होता है जब भी सी एन सी मशीन टूल का डिज़ाइन करते हैं तो कुछ एरियाज हैं जैसे कि अंडरस्टैंड करना डेवलपमेंट इन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन स्ट्रक्चर यानी कि डेवलपमेंट और डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं मशीन स्ट्रक्चर की उसको कंप्लीटली समझना अंडरस्टैंड करना देन उसके बाद जो भी मोशन ट्रांसमिशन के एलिमेंट्स हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं इनको देखना देन स्लाइड वेज का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है उनको पूरा समझना वर्क एंड टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में नॉलेज लेना समझना स्वार्फ रिमूवल मैकेनिज़्म इज़ नीडेड इन सी एन सी मशीन टूल दिस एरिया वी लालसोगी ड्यू टू अटेंशन यानि कि स्वार रिमूवल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या होगी उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है तो इसके बारे में भी देखना होता है देन लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूशर एलिमेंट यानि कि ट्रांसड्यूशल एलिमेंट कहाँ पर लोकेट करनी है देन सेफ्टी ऑफ द सी एन सी मशीन एंड ऑपरेटर मस्ट भी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल्ड डिजाइनिंग सी एन सी मशीन टूल सेफ्टी का कंसिड्रेशन यानी कि सीएनसी मशीन की सेफ्टी एंड ऑपरेटर की सेफ्टी जब भी सीएनसी मशीन टूल को डिज़ाइन करते हैं नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म इन सीएनसी मशीन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रीजन यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट रीजन है सीएनसी मशीन टूल को जब डिज़ाइन करते हैं तो ये भी देखना होता है वेरियस टाइप ऑफ ड्राइव्स यूज इन सी एन सी मशीन टूल नीड टू बी स्टडी यानी कि वेरियस टाइप के जो ड्राइव्स हैं सी एन सी मशीन टूल में कौन कौन से हैं उनको स्टडी करना देन पोजिशन पोजिशनिंग ऑफ सी एन सी थ्रू मोटर एंड लीड स्क्रू आल्सो रिक्वायर द मोर अटेंशन वाइल डिज़ाइनिंग यानी कि सी एन सी की मोटर कहाँ पर रखनी है लीड स्क्रू कहाँ पर रखना है तो जब भी डिज़ाइन करते हैं इनके बारे में भी देखना होता है देन जो सी एन सी मशीन स्ट्रक्चर क्या होता है मशीन स्ट्रक्चर जब भी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करते हैं सी एन सी मशीन की तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखना होता है हाई प्रिसन और हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है सीएनसी मशीन में यानि कि प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली रिजल्ट मिलना चाहिए रिलायबल और रिपीटेबिलिटी uh, हाई होनी चाहिए एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आई होनी चाहिए यानि कि हाई एफिशिएंट होना चाहिए और परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट है सीएनसी मशीन टूल का जब डिज़ाइन करते हैं या मशीन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है मशीन की तो इन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यानी कि हाई प्रिसीजन रिपीटिबिलिटी हाई एफिशिएंसी तो जो नूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन टूल है उसको करेक्टिवली डिज़ाइन करना होता है ताकि वो अपने वेट को भी विदस्टैंड करे और अपना वर्क भी यानी कि जो आउटपुट है वो भी अच्छे से दे तो हायर कटिंग स्पीड भी चाहिए फीड भी ज़्यादा होता है सी में तो उसके लिए बार बार एक्सलोरेशन एंड डी एक्सलेशन होता है स्लाइड का यानी कि जब कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी फीड रेट ज़्यादा होगा सी मशीन में तो रैपिडली एक्सलोरेशन एंड डी होगा स्लाइड्स का यानी कि जो जिसमें मशीन होगी मशीन स्लाइड्स का यानी कि वो, वो आएंगी जाएंगी एक्सलेट एंड डी एक्सलेट रैपिड से होंगी जिसकी वजह से उनके ऊपर जो मशीन टूल है मशीन के ऊपर लगेगा फ्लक्चुएटिंग एंड वेरिएबल फोर्सेज लगेगा ड्यूरिंग दी मशीनिंग ऑपरेशन यानी कि जब मशीनिंग हो रही है तो उस दौरान फ्लक्चुएटिंग एंड वेरिएबल फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कम ज़्यादा और यानी कि इस तरीके से वेरी करता हुआ फोर्सेज लगेगा मशीनिंग के दौरान में तो जब फोर्सेज लगेंगे फोर्सेस की वजह से मशीन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो बैंड ना हो जाए फोर्स की वजह से जो कटिंग फोर्स की वजह से मशीन स्ट्रक्चर बैंड नहीं होना चाहिए तो ये भी ध्यान रखना होता है जब भी हम डिज़ाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग एंड वेरिएबल लोड लगते हैं स्ट्रेसेस फोर्सेस लगते हैं ठीक है तो जब भी मशीन स्ट्रक्चर यानी कि जो भी मशीन के पार्ट होते हैं मशीन स्ट्रक्चर के तो उनकी रिलेटिव पोजिशन uh, देखी जाती है यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजिशन या रिलेटिव रिलेशनशिप क्या है एलिमेंट्स की तो उनका मैग्नीट्यूड देखा जाता है फोर्सेज का डायरेक्शन देखी जाती हैं यानी कि जो भी स्ट्रेसिस डेवलप हुई है फोर्सेज की वजह से यानी कि रिलेटिव पोजिशन क्या है स्ट्रेसिस की एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या है एंड डायरेक्शन क्या है जो कि स्ट्रेसिस डेवलप हुई हैं फोर्सेस की वजह से तो दूसरा क्या देखा जाता है अनदर सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी इन सी एन सी मशीन इज थर्मल डिस्टोर्शन ऑफ मशीन स्ट्रक्चर द डिजाइन यानी कि जो इनएक्यूरेसी का दूसरा कारण भी ये हो सकता है कि थर्मल डिस्ट्रोशन होना यानी कि जब भी फोर्सेस लगेंगे साथ में मोशन भी होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस या थर्मल डिस्ट्रोशन हो सकता है तो जब भी डिज़ाइन करते हैं तो ये देखना होता है कि थर्मली डिस्ट्रोशन मशीन एलिमेंट में कम से कम हो तो जो मशीन टूल इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव हो यानी कि प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फ्रॉम द एक्सटर्नल हीट सोर्सेज एंड आल्सो फ्रॉम दी इंटरनल हीट सोर्स यानी कि बाहर से कोई हीट आए देन इंटरनली कोई हीट जनरेट हो तो उस दौरान हीट प्रोटेक्ट होना चाहिए जब भी डिज़ाइन करे तो ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए कि प्रोटेक्ट होना चाहिए मशीन एलिमेंट्स बाय दी थर्मल डिस्ट्रोशन एग्जाम्पल के लिए जो हैडस्टोक जो होता है मोटर का उसको सेंट्रली प्लेस करते हैं क्या ताकि जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाए सभी डायरेक्शन में देन जो मशीन टूल है वो इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो एफिशिएंट हो और फुल प्रूफ लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम हो यानी कि जब भी हीट जनरेट होगी इंटरनली और एक्सटर्नली तो टूल यानी कि मशीन टूल इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो एफिशिएंट हो यानी कि काम एफिशिएंटली करे और फुल प्रूफ लुब्रिकेशन सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए अल्सो द मशीन स्ट्रक्चर डिज़ाइन शुड बी सच दैट द रेम दैट रिमूल और स्वार्प इज़ ईजी एंड चिप एट्सेट्रा डो नाट फॉल साइडवेज यानी कि जो स्वार्प और जो चिप रिमूवल होता है ईजीली होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए ताकि वो जो साइड वेज हैं वो वहाँ पर ना आए तो ये जो मशीन यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट को दिखाया गया है इस डायग्राम में जैसे कि ये मशीन स्ट्रक्चर है ये स्लाइड्स है मशीन की तो इस तरीके से जो मशीन कंट्रोल यूनिट स्विंग टाइप मशीन कंट्रोल यूनिट जो कि डोटेड लाइन से शो करी गई है और ये मशीन कंट्रोल यूनिट जो कि यहाँ पे ऑपरेटर पैनल है और ये टेप रीडर शो किया गया है मशीन कंट्रोल यूनिट का यानी कि जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है देन उसके बाद आता है कुछ बेसिक डिज़ाइन फैक्टर इन्वाल्ड होते हैं जब भी डिज़ाइन करते हैं मशीन स्ट्रक्चर को तो एक तो क्या क्या देखना चाहिए हमें जब भी डिज़ाइन करते हैं तो एक तो स्टैटिक लोड को देखना चाहिए डायनामिक लोड को देखना चाहिए थर्मल लोड को देखना चाहिए यानी कि स्टैटिक डायनमिक एंड थर्मल लोड कौन कौन से हैं इन सब के बारे को देखना चाहिए नेक्स्ट गाइडवेज कौन कौन सी हैं गाइड करने वाले देन फीड ड्राइव्स जैसे कि सर्वो मोटर मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम इनको देखना चाहिए फीड ड्राइव्स को देन स्पिंडल या फिर स्पिंडल बियरिंग्स जैसे कि हाइड्रोडाइनमिक है हाइड्रोस्टेटिक या एंटी फ्रिक्शन किस टाइप की बियरिंग है स्पिंडल बियरिंग देखना चाहिए देन मेजरिंग सिस्टम जैसे कि किसने टाइप का होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा सिस्टम है देन कंट्रोल यानी कि सॉफ्टवेयर या जो भी यूज़र uh, इंटरफेस है वो कैसा है गेजिंग कैसी है देन मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो ये सब जब भी डिज़ाइन करते हैं मशीन को मशीन uh, स्ट्रक्चर को तो इन सब को देखना चाहिए तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि एलिमेंट ऑफ मोशन ट्रांसमिशन के जैसे कि हमारा रिकैलकुलेटिंग बाल एंड स्क्रू नट असेंबली है क्या होती है डिस्कस कर लेंगे तो ये था डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा अगर वीडियो अच्छी लगी है हेल्पुल लगी है, तो शेयर ज़रूर करना मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में हैवे नाइस डे